नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है या फिर आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना ख़त्म होने वाला होता है, तब तक आपके शरीर में ऐसे कौन कौन से बदलाव होते हैं, ऐसे क्या क्या संकेत नज़र आते हैं, क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। वैसे दोस्तों देखो, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होता है और जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ दिक्कत की वजह से जो है आपकी सिजेरियन करनी पड़ जाती है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर केस में सभी की आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। खैर वो बात नहीं करते हैं, मेन बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण आपको नज़र आएँ जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हाँ भाई, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। इतने लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कोई करता नहीं है, मतलब कि करते हो लेकिन जो नहीं करते हैं प्लीज़ कर लो, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनका भी चैनल आगे बढ़े, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाकी अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लक्षण नज़र आता है वो है आपके बेबी का हेड डाउन करना, यानी कि आपके बेबी का सेफेलिक पोजीशन में आ जाना, और यह आपको बहुत ही आसानी से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से आपको सारी बातें पता चल जाती हैं, जिससे कि आप बहुत हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कैसी डिलीवरी होने वाली है, और डॉक्टर भी आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देख के ही बताते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही अल्ट्रासाउंड करवा लो, ताकि आपको पता चल सके कि आपके बेबी का जो है पोजीशन कैसा है, हेड डाउन पोजीशन है या फिर नहीं है, या फिर आपका बेबी तिरछा तो नहीं है, ब्रिज पोजीशन में तो नहीं है, उल्टा तो नहीं है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ बच्चे गले में गर्भनाल लपेट लेते हैं, तो अगर एक गर्भनाल है, एक लेयर है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, डॉक्टर उसे आराम से हाथ से निकाल देते हैं। मेरे बेबी ने भी गले में गर्भनाल फंसा लिया था लेकिन बाद में निकाल लिया था। तो अगर एक नाल है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन दो हैं, तीन हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो उस कंडीशन में शायद डॉक्टर आपको मना कर दें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, या फिर हो सकता है कि आपका एक अल्ट्रासाउंड और करके देखें प्रेगनेंसी के 48वें या फिर 39वें सप्ते में, ताकि वो जान सके कि बेबी ने गले में गर्भनाल निकाला या फिर नहीं निकाला है। इस समय आपके बेबी का वज़न सही होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे का वज़न कम होगा तो भी डिलीवरी में दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई जब आपका बच्चा ताकतवर रहेगा, उसके अंदर फुर्ती रहेगी, उसका अच्छे से विकास हुआ रहेगा, अच्छा वज़न रहेगा, तभी आपका बच्चा मेहनत करके बाहर आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही मेहनत करते हो, आपका बेबी भी संघर्ष करता है बाहर आने के लिए, उसे भी परेशानी होती है। तो यदि आपका बेबी बहुत कम वज़न का है तो भी ये दिक्कत आ सकती है, और यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वज़न का है तब भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके सर्वेक्स में, आपके वजाइना में इतना जगह होना चाहिए कि आपका बेबी बाहर आ जाए। अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा वज़न का है तो फिर कई बार डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं। इसके अलावा आपके प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, फिर तो आराम से डिलीवरी हो जाती है, लेकिन मान लीजिए यदि आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम हो गई है, आपका गर्भनाल नीचे की तरफ चला गया है, तो बेबी बाहर आएगा कैसे, जगह ही नहीं बचेगा। तो अल्ट्रासाउंड से ये भी पता चलता है कि आपके प्लेसेंटा का पोजीशन कैसा है, तो अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लीजिए, ताकि आप बहुत हद तक कंफर्म हो जाओ कि आपकी डिलीवरी कैसे होने वाली है। तो सबसे पहला है यही, अल्ट्रासाउंड करवाइए, और जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सभी चीज़ें पता कीजिए। और आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इसके अलावा जो दूसरा संकेत या फिर लक्षण आप मान सकते हैं वो ये है कि जब आपका बच्चा हेड डाउन करता है तो उस समय क्या होता है कि आपको जो ऊपर की तरफ, क्योंकि जब आपका बच्चा ऊपर रहता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, सीने में जलन की शिकायत रहती है, लेकिन जब आपका बच्चा सर नीचे कर लेता है तो उस समय क्या होता है कि आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और आपको ऊपर जो है थोड़ा सा खाली खाली सा महसूस होता है। तो आप इस तरीके से भी अंदाज़ा लगा सकती हैं, लेकिन पहली डिलीवरी होती है तो इतना अंदाज़ा नहीं लग पाता, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट संकेत है वो ये है कि जब आपका बच्चा नीचे की तरफ आ जाता है तो वो आपके मूत्राशय पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाता है, तो आपको लगता है कि आपका 9वां महीना स्टार्ट हो गया है और आपको बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आने लग गया है पहले के मुकाबले, तो एक ये भी संकेत है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट संकेत है वो ये कि यदि आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में, यानी कि योनि में सूजन आ रही है, तो एक ये भी संकेत है कि आपका बच्चा जो है कोख में नीचे की तरफ आ गया है, और नीचे जब आपका बेबी आ जाता है तो आपका
खून गाढ़ा होने लग जाता है और जिस वजह से कि आपको सूजन की समस्या हो सकती है। तो आप चाहें तो थोड़ी बहुत सिकाई कर सकते हैं आराम के लिए, या फिर सूजन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर आप डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों यह जो समस्या है, यह जो संकेत है, आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने के स्टार्टिंग से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट संकेत है वो ये है कि बहुत सारी महिलाएं शायद गौर ना करें, लेकिन आप गौर करके देखना, जब आपका बच्चा कोख में नीचे की तरफ आ जाता है ना, तो क्या होता है कि महिला का चाल जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब कि आप जे आकार में चलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब आपका बेबी नीचे आता है तो थोड़ा सा नीचे का एरिया चौड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कि महिला का चाल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप जे आकार में चल रहे हो तो एक ये संकेत है कि शायद आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लक्षण है वो ये है कि इस समय आपको कमर में, पीठ में, प्राइवेट एरिया में, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि इस समय आपका बेबी नीचे आ जाता है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचावट होती है, लिंगामेट में बहुत ज़्यादा खिंचावट होती है, जिसकी वजह से कि आपको काफ़ी दर्द होता है। और यह दर्द होना सही भी है, क्योंकि यह दर्द जो है आपके बच्चे को रोक के रखता है जब तक कि आपकी डिलीवरी ना हो जाए। इसलिए आपका बेबी जब नीचे आ जाता है तो आपके मांसपेशियों में खिंचावट होती है, भारी भारी सा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने की शिकायत हो सकती है, प्राइवेट एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होने की शिकायत हो सकती है। तो एक ये भी लक्षण है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। बाकी बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप सिकाई कर सकते हैं, किसी से मालिश करवा सकते हैं, और चाहो तो डॉक्टर से दवाई भी ले सकते हो। अलावा जब आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपके सर्वेक्स का चेकअप करते हैं। और वो चेकअप कैसे करते हैं, आपके वजाइना में फिंगर डाल के चेक करते हैं और वो ये देखते हैं कि आपका जो सर्वेक्स है, आपका जो बच्चेदानी है, वो खुलना स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आपका बॉडी जो है डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, आपका जो सर्वेक्स है यानी कि बच्चेदानी जो है वो लचीला हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मुलायम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और यदि मान लीजिए कि आपका सर्वेक्स ओपन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं खुला हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं आया है, तो फिर डॉक्टर आपको दोबारा बुलाते हैं, दोबारा चेक करते हैं। और डॉक्टर जब आपके वजाइना का चेकअप करते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, आपका सर्वेक्स डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है, खुलना स्टार्ट हो गया है, तो वो फिर आपको बता देते हैं कि हाँ आपकी डिलीवरी कितने दिनों में हो जाएगी। और वो फिंगर डाल के ये भी चेक करते हैं कि कितना इंच ओपन हो गया है और डिलीवरी कब तक हो सकती है, तो डॉक्टर उसी हिसाब से आपको डेट भी दे देते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि डिलीवरी से 15 से 20 दिन पहले या फिर डिलीवरी से एक दो दिन पहले भी जो है आपका म्यूकस प्लग बाहर आ सकता है। लेकिन दोस्तों 9वें महीने के स्टार्टिंग में आपके साथ क्या होता है कि इस समय जो है आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, मतलब ये कि पहले के मुकाबले जो है आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। पहले कम हो रहा होगा, लेकिन प्रेगनेंसी के 9वें महीने में यदि आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एक संकेत है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। तो इसके अलावा एक संकेत और भी दिखाई दे सकता है, कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के 7वें महीने से यह लक्षण नज़र आने लग जाता है, कुछ महिलाओं को 8वें महीने से आता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के 9वें महीने से जो है यह संकेत दिखने लग जाता है। और वो संकेत क्या है, वो संकेत ये है कि आपको फॉल्स लेबर पेन आते हैं। फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए जो है कमर में दर्द होता है और कमर से दर्द आपको पेट की तरफ आता है, आपका पेट काफ़ी कड़क हो जाता है और ये थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर आप चलते हो, लेट जाते हो तो यह दर्द आपका अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं आता। और यह जो फॉल्स लेबर पेन होता है यह दिन में आपको कई बार हो सकता है या फिर एकाध बेर भी हो सकता है। तो यदि आपको भी लगता है कि आपके प्रेगनेंसी के 8वें महीने से या फिर 9वें महीने में ऐसा हो रहा है कि एकदम से आपको कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपका पेट एकदम से कड़क हो गया है और फिर वो अपने आप ठीक हो रहा है, तो ये एक संकेत है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, क्योंकि यह एक अभ्यास लेबर पेन होता है, मतलब कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना तो उससे पहले आप प्रैक्टिस करते हो, तो ये एक प्रैक्टिस है, आपको डिलीवरी का इसी प्रकार का दर्द होने वाला है। लेकिन डिलीवरी का दर्द थोड़ा अलग होता है, वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पीरियड की तरह दर्द होता है और समय के साथ आपका दर्द बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सर्वेक्स खुलता है वैसे वैसे ही आपका जो है दर्द बढ़ता चला जाता है, और जब आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है फिर आपका बेबी बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। जब आप
प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यदि उसमें ऐसा आता है कि आपके पानी की थैली में पानी की कमी है या बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके बच्चे को कोई बीमारी है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, प्लेसेंटा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, आपको डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, या फिर आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हो, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, आपके शरीर में खून की कमी है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको शायद पहले ही मना कर दे कि हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहेंगे कि आपके साथ या फिर आपके बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, वो जैसा कहें वैसा ही करें। लेकिन यदि आपको अपने डॉक्टर पे डाउट हो रहा है कि वो जानबूझ के सिजेरियन के लिए बोल रही हैं, तो फिर आप किसी और डॉक्टर से दिखाइए और वहाँ पर जाकर कंफर्म हो जाइए कि हाँ सच में मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। बाकी प्रेगनेंसी के 9वें महीने के स्टार्टिंग में आपको ये सभी लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि 99% आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। बाकी अपने खान पान का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज का ध्यान रखिए, टहलने का ध्यान रखिए, तनाव से दूर रहिए और खुशनुमा माहौल में रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और ईश्वर को याद कीजिए, क्योंकि वही सबका बेड़ा पार लगाते हैं, तो वही आपका ध्यान रखेंगे। कि अपने घर से किसी को बुला लीजिए, आपके सासू माँ को, आपकी मम्मी को, आपकी नंद को, जो भी आपके लिए कुछ कर सके, और उनको बुलाइए जिसको कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि डिलीवरी का दर्द स्टार्ट हो गया, आपको पता ही नहीं चलता कि हॉस्पिटल कब जाना है। तो जो महिलाएं पहले माँ बन चुकी हैं उसको एक्सपीरियंस रहता है कि डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल कब जाना चाहिए, तो आप ऐसी महिला को अपने पास ज़रूर रखिए। और दोस्तों इस समय कुछ ना कुछ परेशानी शरीर में लगी ही रहती है, तो इस समय आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए, तो किसी को बुला लीजिएगा। बाकी आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।